नमस्कार, मैं हूं सपना मद्देसिया और आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। खेल के दौरान युवक को मारी गोली। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की ओर, जहां पर खेल के मैदान में उस समय अफरा तफरी मच गया जब खेल में विवाद हो गया, जिसके बाद नाराज एक युवक ने दूसरे युवक पर तमंचे से हमला कर दिया। गोली युवक के पैर में लगी। आनन फानन में मौजूद युवकों द्वारा उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। वही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। एक मरीज करण करके है, जमुना सदन का, गोली लगा हुआ बाएं पैर में, नी जॉइंट के पास। अभी क्या है, गोली आर पार हो चुकी है। मरीज की हालत स्थिर है, आउट ऑफ डेंजर है। आउट ऑफ डेंजर है, आउट स्थिर है। आते चले कि सदर कोतवाली थाना क्षेत्र देवरिया के सुगर मिल ग्राउंड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ युवकों का खेल में विवाद हो गया, जिसके बाद नाराज एक युवक ने दूसरे युवक करण पर तमंचे से हमला कर दिया। इस दौरान गोली युवक के पैर में लगी। आनन फानन में मौजूद युवकों द्वारा उसे जिला अस्पताल लाया गया। वही घायल युवक करण ने बताया कि सीओ नामक लड़के ने मुझे गोली मारी है। क्या विवाद हुआ था? विवाद कुछ नहीं, वो टंडे का लड़का झगड़ा हुआ था, बस उसी को समझाने के लिए गया तो उसी बढ़ते मेरा पति आई लेकर हमारे पे उछाल हो गया और उसी लिए को मार दिया। कहाँ गोली मारा आपको? वहाँ से। क्या करते हो तुम? और कहाँ पर बड़ी बस भाई गुल्ली अंडा खेल रहे थे। सफाई कर्मचारी हूँ। कहाँ पे? यूनिवर्सल स्कूल में काम करते। कैसे मारा आपको गोली? दूसरा शूट कैसे करता है? क्या करता है? चोरी चकारी करता। ठीक है, ठीक। मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बाबत पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक युवक के द्वारा करण नाम के युवक पर तमंचे से गोली मारी गई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कुछ युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए देवरिया से राजेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। थाना कोतवाली के चिली मिल गांव में आज लड़के खेल रहे थे, इसी में करण नामक एक लड़के को एक दूसरे लड़के ने आकर उसके पैर में तमंचे से फायर कर दिया, जिससे उसके पैर में गोली लग गई। इंजर्ड आउट ऑफ डेंजर है। उसके अनुसार उसे इंसिटेशन में शंका होने की वजह से अधिक द्वारा गोली मारी गई है। इस संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।